Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel. Now the question arises, is there a single flagellum in bacterium? Iska answer to main aapko pehle de chuki hu, but let's explore further. The answer is no. On the basis of number of flagella, bacteria can be divided into different types. ठीक है, तो एक single flagellum नहीं होता सिर्फ bacteria के पास. It has a variety of, जो मैंने आपको starting में कहा था, they can vary in number and location. तो flagella की base पर आप bacteria को classify कर सकते हो into different types. For example, अगर एक single flagellum मौजूद है at one pole of the bacterial cell, वहां से protrude out हो रहा है, तो उसको आप term करते हो monotrichus. और अगर एक tuft of flagella मौजूद है at one pole of the bacterial cell, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इससे एक single flagellum नहीं protrude out हो रहा, बल्कि बहुत से flagella जो है वो protrude out हो रहे हैं from bacterial cell, और ये एक pole से मौजूद हो रहे हैं, और एक pole से protrude हो रहे हैं, and they are forming a tuft. तो tuft of flagella at one pole जिस bacteria के मौजूद होता है, उसको हम lophotrichus का नाम देते हैं. और अगर एक single flagella एक पोल के ऊपर मौजूद है और एक सिंगल फ्लैजेला दूसरे पोल के ऊपर मौजूद है, तो उसको आप एम्फीट्राइकस कहते हो, विच हैव फ्लैजेला एट बोथ पोल्स. ठीक है, और अगर बैक्टीरिया की ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बैक्टीरियल सेल प्रोट्यूड आउट हो रहे हैं फ्लैजेला, तो उस तरह के बैक्टीरिया को आप क्या कहते हो, पेरीट्राइकस. यहाँ पर आप देखो, अगर टेफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक पोल पर मौजूद होता है, तो उसको आप लोफोट्राइकस कहते हो. अगर एक टेफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल्स पर मौजूद है, तो उसको आप क्लासिफाई करते हो एज एन एम्फिलोफोट्राइकस व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड्स. ठीक है, तो फ्लैजेला एक सिंगल नहीं होता, बल्कि उसको आप वैरायटी ऑफ फ्लैजेला मौजूद होते हैं, और उनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, उसकी बेस पे आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हो.